फिर 1950 से 1980 की जो पॉलिसी थी उसमें कच्ची क्लास इंट्रोड्यूस करवाई गई लेकिन ये सिर्फ बच्चों को स्कूल से फेमिलाइज करवाने के लिए थी ना कि इसमें कोई ख़ास तरह का कोई एनवायरमेंट या माहौल या करिकुलम बच्चों को दिया जाए बस ये कि वो स्कूल जा सकते हैं वो स्कूल बैठे और जो कुछ उस्ताद पढ़ा रहा हो उसको कम अज़ कम वो सुने और ऐसा भी होता था कि बच्चे अपने बड़े भाइयों के साथ चले जाते थे बहन भाइयों के साथ और तो फिर वहाँ स्कूल में बैठे रहते थे और जो कुछ उस्ताद कह रहा था उसको सुनते रहते थे दूसरे लफ्जों में 1950 से 80 तक कोई भी अर्ली एजुकेशन के बारे में खास बात पॉलिसी में मेंशन में नहीं की गई उन्नीस में कच्ची क्लास को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया इसको अव्वल अव, अदना भी कहा जाता था और फिर इसके बाकायदा कुछ कुछ करिकुलम इसका सेट हुआ कि भाई चंद चीजें बच्चों को कच्ची क्लास में सिखाई जा सकती हैं लेकिन वो भी बहुत वाज नहीं थी उन्नीस में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को बाकायदा रिकगनाइज किया और जब रेकेगनाइज किया तो फिर इसके करिकुलम पे भी काम हुआ कहाँ बैठेंगे वो बच्चे उनके लिए जगह भी मखसूस की गई क्या पढ़ेंगे कुछ चीज़ें मुख्त कर दी गई कि वो अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन को के बच्चों को दी जानी चाहिए दो हज़ार एक में चूँकि हम सिग्नेटरी बने ई एफ ई के तो उसके साथ ही हमने एक नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया कि किस तरह से हम अपने बच्चों के लिए अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे दो हज़ार दो में फिर चूँकि हम ई एफ ई के सिग्नेटरी थे और हम अब उसको आइडेंटिफाई और रिकगनाइज कर चुके थे इसलिए हमने एक करिकुलम पी के लिए डेवलप किया यानी कुछ चीजें खास तौर पे मुख्त की गई कि भई ये अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए फिर 2004 में एक बकायदा एक्ष, रिफॉर्म एक्शन प्लान बनाया गया जो जाहिर अब चीजें पहले से मौजूद थी अब वो प्लान ऐस नया नहीं था लेकिन वो रिफॉर्म प्लान था मतलब जो चीजें चल रही हैं उनकी असलाह की जाए जहाँ पे डेफिशिएंसीज नज़र आ रही हैं जहाँ कमी कोताही है उसको दूर किया जाए और ई को बकायदा इसके करिकुलम को लागू किया जाए अब इसके साथ ही 2009 में इनोवेटिव प्रोग्राम दिया गया और ई हमारी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गई 2003 से लेके 2009 और आगे उसके बाद जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे ई के कमरे मौजूद हैं उन कमरों में मुख्तलिफ कॉर्नर्स मौजूद हैं और उन कॉर्नर में जैसे हम जिक्र कर रहे थे चूँकि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और सारे सब्जेक्ट को तो हमें साथ लेके चलना है तो बच्चों का मैथ सीखने का भी एक कॉर्नर है लैंग्वेज सीखने का भी कॉर्नर है आर्ट का भी कॉर्नर है और प्ले का भी कॉर्नर है बल्कि अब के दिनों में तो टेक्नोलॉजी का भी कॉर्नर है जहाँ बच्चे कंप्यूटर से बेसिक नो हाव करते हैं उसको चलाना सीखते हैं उस पर पेंट करते हैं उसको बंद करते हैं और ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी छोटी चोड़ छोटी वीडियोज़ उनको वहाँ दिखाई जाती हैं कुछ ऑडियोज़ उनको दिखाई जाती हैं तराने सुनाए जाते हैं ताकि उनका छोटा सा एक तारुफ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ हो जाए और जो कॉर्नर्स की मैं बात करी थी वो भी स्ट्रिक्ट नहीं है इस तरह से कि वहाँ बस वो बैठ के मैथ पढ़ेंगे वो कॉर्नर असल में मैथ के इक्विपमेंट का है वहाँ ऐसी गेम्स रखी गई हैं जिनकी मदद से बच्चे मैथ से रिलेटेड जो एजुकेशनल गेम्स हैं उनको देखते हैं पजल्स को हल करते हैं डिजिट्स पे अपनी ब्लॉक्स को जोड़ते हैं डिज़ाइन बनाते हैं कोई ट्रेन चलाते हैं जो भी इक्विपमेंट है उसमें उनको कुछ डिजिट्स के बारे में मिल जाता है इसी तरह जो उनका लैंग्वेज का कॉर्नर है वहाँ उनके लिए स्टोरी बुक्स हैं जो उनको रीड अलाउड की जाती हैं बुलंद आवाज से पढ़ के सुनाई जाती हैं और फिर उससे जो रिलेटेड करेक्टर्स हैं उनके साथ छोटे छोटे रोल प्ले भी किए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो उन कॉर्नर्स में ख़ास तौर पर मुतारफ़ करवाई गई हैं इससे कुछ उम्मीद है कि हमारे जो अर्ली चाइल्ड हुड के बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से सीखें और ये एकदम से नहीं हुआ हम अपनी तमाम एजुकेशनल पॉलिसीज को देखें तो हमें ये कोशिश नज़र आती है कि भाई किस तरह से हमें अपने छोटे बच्चों को तालीम देनी है अभी करने को बहुत कुछ है लेकिन फिर भी हमारे जो अर्ली चाइल्ड हुड के कॉर्नर्स हैं या रूम्स हैं इस वक्त स्कूलों में वो बहुत हद तक बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे रहे हैं